जैसा कि अन्य सभ्यताओं में स्वाभाविक है होता था यही बस्तियाँ इनमें से कुछ ने शहर का रूप ले लिया और कुछ बहुत प्राचीन शहर बन गया और एक प्राचीनता का रूप उन्होंने धारण कर लिया था तीन प्रकार के शहर मूलतः मेसोपोटामियन सभ्यता में देखे जाते हैं यदि उनका हम वर्गीकरण करें तो पहला जो श्रेणी है ऐसी श्रेणी जिस मंदिर के आधार पर जो शहर बसे जो यानी मंदिर उस शहर का केंद्र बिंदु थे उसकी धुरी थी उस मंदिर के कारण लोगों की बसाहट शुरू हुई और फिर वो बढ़ते 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 वे शहर बन गया तो कुल मिला हम कह सकते हैं कि शायद ऐसे शहर धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा रहे होंगे धार्मिक गतिविधियों से ज़्यादा वहाँ पर सरोकार रहा होगा दूसरे जो शहर थे वे व्यापार के केंद्र मेथोपटामिया के लोगों का अन्य देशों के साथ व्यापार था और विशेषकर उनके यहाँ जो सामान नहीं मिलता था जैसे पत्थर मैंने बताया उसका आयात करते थे परिणाम क्या हुआ कि व्यापारिक संगठन बने इन व्यापारिक संगठनों को एब्जॉर्ब करते हुए जो शहर थे वो मूलतः व्यापार के केंद्र बन गए और इस प्रकार उन शहरों में व्यापार से जुड़ी हुई गतिविधियाँ व्यापार से जुड़े हुए सामाजिक कार्य ज़्यादा होते थे तीसरी जो श्रेणी थी वह था शाही शाही शब्द से जैसा स्पष्ट है कि वहाँ राज परिवार के लोग राजशाही के लोग राजमहल ऐसा ज़्यादा ताल्लुक रहा होगा उन शहरों का और उन शहरों में मूलतः राजा और राजा से जुड़े हुए सभी कार्य चाहे प्रशासनिक चाहे राज्य के कार्य ये ज़्यादा होते रहे होंगे इसलिए ये शहर तीसरी श्रेणी में थे जिन्हें हम शाही शहर कह सकते हैं तो इन तीन श्रेणियों को समझने के बाद तीन श्रेणियाँ शहरों की समझने के बाद अब हम थोड़ा जाने कि जब ये शहरीकरण हुआ और विकास हुआ सभ्यता विकसित होती गई तो उसके साथ साथ कुछ नई संस्थाएं भी जुड़ी निश्चित रूप से नए नए काम नए नए कौशल नए नए कार्य उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती बल्कि वह एक एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि बिना उसके ये कार्य हो नहीं सकते और विकास हो नहीं सकता तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह की संस्थाएं वहाँ पर विकसित हुई और अस्तित्व में आने वाली नई संस्थाएं कौन कौन सी थीं ये अस्तित्व में आने वाली नई संस्थाओं में सबसे पहला मंदिर मेसोपोटामिया के काल में तो मंदिर बड़ी प्रचुर मात्रा में बनाए गए थे जुगराज भी थे शहरों में बड़े बड़े मंदिर थे और हर गांव में अपनी देवी देवताओं के मंदिर थे इसीलिए भारी संख्या में देवी देवताओं की जानकारी हमें मिलती है और ये देवी देवताओं का एक तरीके से संबंध आसपास के शहर के आराध्य देव या देवता या देवी होती थी उनसे होता था तो इस प्रकार ऐस मंदिरों का निर्माण एक संस्थागत रूप में वहां आ, काफी हुआ दूसरा है सामुदायिक मुखियाओं का उदय इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर सामुदायिक मुखिया क्या थे पर यह जान लेना जरूरी है कि मुखिया भी एक संस्था के रूप में सामने आए तीसरा जो था वह था सेना का उदय निश्चित रूप से जब एक सभ्यता पनपती है राजशाही पनपती है तो उसका काफ़ी सरोकार सेना से लेना देना होता है और सेना की आवश्यकता किसी भी शासन को साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा के लिए चाहे राज्य की सुरक्षा चाहे वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है तो सेना का भी उदय हम देखते हैं इस काल में हुआ एक संस्था के रूप में चौथा था सामाजिक संस्थाएं ऐसी कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इस काल में पनपी जिसका जिक्र आगे होगा पांचवा व्यापार केंद्र और छठवा लेखन कला सातवा और अंतिम जो वहां पर नई चीज का प्रादुर्भाव हुआ वे थे विद्यालय मालूम है आपको कि पुस्तकालय थे वहाँ के कुछ राजाओं के पास दूसरे शब्दों में विद्या से उनका सरोकार था वे चाहते थे कि उनकी जनता पढ़ी लिखी हो लेकिन उनकी अपनी एक सीमा थी और बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ विद्यालय खोले हुए थे उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ते थे क्यों क्या इस पर हम आगे चर्चा करेंगे तो हम एक एक करके अब इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें मेसोपोटामिया में अस्तित्व में आने वाली जो नई संस्थाओं के नाम बताए हैं उसमें सबसे पहला स्थान है मंदिरों का शहरी जीवन जैसे ही शुरू होता था मेसोपोटामिया में तो सबसे पहले जो संस्था अस्तित्व में आती थी और आई थी वह मंदिर था आप सोच सकते हैं कि मंदिर तत्कालीन समाज की दयानंदिनी के लिए समाज के जीवन के लिए कितना अहम रहा होगा क्योंकि यह किसी भी शहर के शुरू होने पर मंदिर के अस्तित्व के साथ शुरू होती थी बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने मंदिरों का निर्माण या पुनर्निर्माण करना प्रारंभ कर दिया सबसे पहले ज्ञात एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से निर्मित था जो हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो बनाया गया वो एक छोटा सा मंदिर सर्वप्रथम ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय कच्ची ईटों से और विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान मानो जैसे चंद्र देवता और तथा तो प्रेम व युद्ध की देवी इनाना इनके यहाँ पर निवास स्थान थे ऐसा माना जाता था इन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः ईटों से किया जाता था दूसरे शब्दों में उस काल में लोगों को भवन निर्माण में ईट का उपयोग करने की जानकारी थी समय के साथ साथ ये मंदिर जो हैं इनका आकार बढ़ता चला गया विशाल विशालतर और फिर विशालतम एक विकराल रूप बड़ा भी रूप लेता चला गया मंदिर में स्थित देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था जो देवालय में होता था स्वाभाविक है हर मंदिर किसी एक देवता को समर्पित थे और उनका जो कमरा था देवता का कमरा वही पूजा का केंद्र होता था यहाँ के लोगों के व्यक्तिगत रूप से पूजे जाने वाले देवता उनके खेतों क्षेत्र यानी मछली पालन के खेतों और पशुधन के स्वामी माने जाते थे तीन चीजों के व्यक्तिगत रूप से पूजे जाने वाले देवता उनके खेतों को उनके मत्स्य क्षेत्रों को और साथ ही पशुधन इसके स्वामी मालिक होते थे फलस्वरूप लोग इन्हें प्रसन्न करने के लिए दही और मछली आदि लाते थे धीरे धीरे मंदिरों में अपने क्रियाकलाप बढ़ाए गए और एक तरीके से मंदिरों ने मुख्य शहरी संस्था का स्थान ले लिया जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि मंदिर आर्थिक गतिविधि सामाजिक गतिविधि प्रशासनिक गतिविधि और साथ ही साथ राजनीतिक गतिविधि का भी केंद्र बन गए थे वहां के पुजारी सर्व संपन्न और बहुत ताकतवर होते चले गए और एक समय ऐसा आया था कि जब राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मंदिरों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया था धीरे धीरे मंदिरों में जब ये क्रियाकलाप विभिन्न तरह के काम बढ़ाए गए और मंदिरों ने मुख्य शहरी संस्था का रूप लिया तो महल अपना औचित्य खोए नहीं इनकी उपाधेयता प्रासंगिक रही बने रहे और इनका भी प्रभाव बना रहा दूसरा है सामुदायिक मुखियाओं का उदय ये सामुदायिक मुखिया कैसे एक संस्था का रूप लिए बड़ी इसकी रोचक जानकारी है जब किसी भी जगह में विभिन्न समुदायों के लंबे समय तक युद्ध चलता था समुदायों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चले और युद्ध के बाद जो विजयी होता था तो विजयी समुदाय का मुखिया लूट आदि में और युद्ध के बाद मिले हुए सारे जो सामान उसको थे उसको वो अपने उन लोगों में बांट देता था दल के लोगों पर विजय प्राप्ति की खुशी में वो सब माल लूट का माल हो चाहे जो भी हो वो अपने जनता जनार्दन में अपने समुदाय के लोगों में बांट देता था उसके साथ ही उनको वो प्रसन्न करने का इरादा रखता था और पराजित लोगों को गिरफ्तार करके जो हार जाते थे जो समुदाय के लोग हार जाते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था गिरफ्तार करने के बाद दंड जैसी कोई विशेष चीज़ नहीं थी उनको अपने साथ ले जाया जाता था और नौकर और इस तरह के अन्य कार्यों में उनको लगा दिया जाता था चौकीदार बनाया जाता था यानी मजदूर बनाया जाता था यानी पराजित समुदाय के लोगों को विजयी समुदाय का मुखिया एक तरीके से अपना गुलाम बना लेता था और उनसे विभिन्न कार्य करवाता था यह तो होता था कुछ समय के लिए क्षणिक समय के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं चलता था परंतु युद्ध में विजयी होने वाले मुखिया ये स्थायी मुखिया नहीं रहते थे युद्ध हुआ दो दो समुदाय के बीच में युद्ध की स्थिति आई दोनों समुदाय के एकाध व्यक्ति ने अपने को एक मुखिया के रूप में पेश करना शुरू किया समुदाय के लोगों ने उसे मुखिया माना युद्ध हुआ विजय पराजय हुई विजयी मुखिया ने लूट माल का सारा सामान अपने समुदाय के लोगों में प्रसन्नता में बांट दिया पराजित लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें मजदूर बना दिया बात यहाँ तक खत्म उसके बाद वो मुखिया नहीं रहता था यानी वो स्थाई नहीं होता था लेकिन एक लंबे समय के पश्चात काफ़ी लंबे अंतराल के बाद काफ़ी लंबे काल के बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और मुखिया जो है वो अपने उसका अपने समुदाय का एक स्थाई नेता स्थाई लीडर बन गया उसने उसका रूप बदल गया और कुछ उसने नई नई चीज़ें शुरू की जैसे मुखिया के नाते समुदाय की ओर से उसने मंदिरों में देवी देवताओं को भेंट चढ़ाना उपहार देना प्रारंभ किया और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद ये भी रहा होगा कि अपने को समुदाय के अन्य लोगों से ऊपर दिखाने का प्रयास एक तरीके से ये एक एक्सप्रेशन एक अभिव्यक्ति थी मुखियाओं के द्वारा अपने को समाज के या समुदाय के अन्य लोगों से ऊपर दिखाने की एक अभिव्यक्ति इस भेंट आदि के रूप में थी पर यह तब हुआ जब बहुत लंबा काल निकल गया काफी लंबे समय तक जब साथ साथ रहे इसके अलावा मुखिया यदि है तो स्वाभाविक है उसे यदि अपनी इज्जत चाहिए तो अपने समुदाय के लोगों की मदद भी करना होगा समुदाय के लोग भी अपने मुखिया की ओर ताकेंगे कुछ जरूरत पड़ने पर तो इस प्रकार मुखिया का एक नया ओहदा, एक नया कार्य शुरू हुआ वह समाज के कल्याण में भी लगने लगा समुदाय के लोगों की भलाई के बारे में सोचने लगा उस पर कार्य करने लगा और उनकी मदद करने लगा इस प्रकार उसने कल्याण पर ध्यान देना शुरू हुआ और परिणाम क्या हुआ ये जो मुखिया की जो संस्था थी संस्था का अर्थ कोई ढांचा नहीं जहाँ संस्था का अर्थ है एक ओहदा, एक पद तो ये जो मुखिया का जो पद था जो ओहदा था ये एक तरीके से परंपरागत हो चला एक तरीके से स्थाई हो चला एक तरीके से इसकी एक लंबी परिपाटी बन चली और इस प्रकार इस समुदाय के मुखिया एक संस्थागत रूप लेने लगे नई संस्थाएं पर पार्टी हुई और जैसा मैंने बताया अपने को और ऊंचा दिखाने के लिए समाज के अन्य तबके से उन्होंने भेंट आदि धोना शुरू किया उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया आपको याद होगा कि इस काल में मंदिर हर गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे तो उन्होंने उस पक्ष को भी साधा और मंदिरों की देखभाल रख रखाव आदि में मदद करनी शुरू की यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, किया कि मंदिर में आने वाले चढ़ाव मंदिर में आने वाली भेंट भेंट वगैरह और चढ़ाव तो वो देते ही थे पर अन्य जनता जनार्दन के द्वारा जो चढ़ाव आता था जो भेंटें आती थी उसका हिसाब किताब उन्होंने रखवाना शुरू किया और ऐसा करते हुए वे लोग समाज के अन्य लोगों की तुलना में बहुत ऊपर दिखने लगे बहुत ऊंचे संभाषण पर पहुंच गए, और इस प्रकार मुखिया का ओहदा और बढ़ गया इस हिसाब किताब को रखने की उन्होंने एक बड़ी एक, एक प्रभावी व्यवस्था बनाई एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया पट्टिकाओं में उसे हिसाब किताब को दर्ज करते थे और उसके साथ ही इस हिसाब किताब की प्रक्रिया ने भेंट आदि आता तो मंदिर में था पर यह मुखिया लोग हिसाब रखने लगे तो एक तरीके से ये मुखिया का इस पर एक तरीके से नियंत्रण हो गया था और ये बढ़ता नियंत्रण मुखिया को एक संस्थागत रूप दे दिया और सामुदायिक मुखियाओं का यहाँ पर हम उद्भव या उदय देखते हैं परिणाम क्या हुआ कि सामुदायिक मुखिया का नियंत्रण अपने समुदाय पर बहुत बढ़ गया वे लोग एक जिसको हम कह सकते हैं स्वयं में एक शक्ति बन गए पावर अनटू टू स्वयं ही एक ताकत बन बैठे और समुदाय मुखिया सामुदायिक मुखिया एक निरंतर परमानेंट एक एक सतत परिपाटी में चलने वाली एक संस्था बन गई सामुदायिक मुखियाओं के बारे में इतना समझने के बाद अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर तीसरी संस्था पर सेना जैसा आप सब जानते हैं कि जब साम्राज्य बनता है तो वो बिना सेना के संभव नहीं होता सेना का रूप भले बदल सकता हो कई राजाओं के पास अपनी स्वयं की सेना होती थी शाही सेना कई राजा किसी अन्य तत्वों पर निर्भर करते थे मेसोपोटामिया की क्या स्थिति थी सेना की थोड़ा इस पे जाने वहाँ मेसोपोटामिया में क्या था यहाँ विभिन्न सेना के मुखियाओं के पास अपने पास आदमी थे क्योंकि वो समुदाय मुखिया जो थे अपने अपने समुदाय के नेता थे तो ये राजा लोग क्या करते थे इन समुदाय मुखिया को अपने आस पास बसाहट देते थे उनको आस पास रहने के लिए सुविधाएं देते थे उनको उसके लिए प्रेरित करते थे और उनके साथ ऐसे संबंध बनाए रखते थे कि जरूरत पड़ने पर सामुदायिक मुखियाओं पर निर्भर हुआ जा सके ये निर्भरता सैनिकों के रूप में थी जब जरूरत पड़ी राजा ने तुरंत सामुदायिक मुखियाओं को संपर्क किया और सामुदायिक मुखियाओं ने अपने समुदाय से लोगों को बटोरा और उन्हें सैनिक के रूप में राजा के सामने पेश कर दिया इस प्रकार क्या होता था कुछ समय में ही बड़ी तीव्र गति से ही जरूरत पड़ने पर राजा की सेना तैयार हो जाती थी पर इसके लिए जरूरी था कि राजा को इन सामुदायिक मुखियाओं से अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ते थे और उन्हें अपने आसपास ही रखना पड़ता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क साधा जा सके और आवश्यकतानुसार उन्हें हिदायत दी जा सके तो हम ये देखते हैं कि मेसोपोटामिया के उरुक नगर में उरुक नाम के नगर में जब उत्खनन हुआ खुदाई हुई तो खुदाई में सशस्त्र हथियार पकड़े हुए ऐसे वीरों के चित्र और उसके अलावा साथ में हताहत हुए शत्रुओं के चित्र ये अच्छी मात्रा में मिले ये सब पट्टिकाओं में बने हुए हैं तो ये इन चित्रों के माध्यम से सेना की जानकारी सेना के अब सेना का जो वेशभूषा थी उसकी जानकारी और किस तरह की सेना थी इससे हमें काफी कुछ मिलता है तो यह है मेसोपोटामिया के राजाओं की सेना के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी एक पंक्ति में पुनः राजा स्वयं सेना नहीं रखते थे सामान्यतः वह सामुदायिक मुखिया पर सेना के लिए सैनिकों के लिए निर्भर रहते थे अगली संस्था जिसका जिक्र बार बार पहले किया जा चुका है वह है सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संस्थाओं से क्या तात्पर्य है सामाजिक संस्थाएं यानी समाज में किस तरह का एक तरीके से व्यक्तियों का वर्गीकरण था इस पर हम थोड़ा जाने जब भी विकास होता है और शहरी विकास होता है तो वह अपने आप वर्गीकरण की ओर बढ़ता है स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर व्यापारी गण फैक्ट्री के मालिक आदि आदि उसी प्रकार समाज में भी ऐसा ही वर्गीकरण जो होता है जो जाति पर होता है कई बार कई बार वर्णों पर होता है यहाँ पर मेसोपोटामिया में देखा गया कि कालांतर में मेसोपोटामिया में उच्च वर्ग का एक प्रादुर्भाव हुआ एक अच्छा खासा उच्च वर्ग सामने आया और यह उच्च वर्ग जो था बड़ा ताकतवर था वो समाज में अपना उसका बड़ा दबदबा था, और समाज की अधिकतर जो धन संपदा थी वह इन्हीं के पास थी इनकी संख्या बड़ी सीमित थी लेकिन सीमित संख्या के पास असीमित धन और मेसोपोटामिया का था उस पर उनका अधिकार था दूसरे शब्दों में ज्यादा लोग धनाढ़ नहीं थे धनी नहीं थे सामान्य जीवन था आर्थिक रूप से सामान्य स्तर था परिवार की बात करें तो एकल परिवार पर उनका ज्यादा विश्वास था संयुक्त परिवारों के उदाहरण वहां नहीं के बराबर मिलते हैं जो पट्टिकाएं मिली हैं जो अभिलेख मिले हैं शिलालेख हैं उनसे ये जानकारी मिलती है कि उन लोगों का विश्वास एकल परिवार पर ज्यादा था यानी माँ पिता बेटा बेटी पति पत्नी और उनके बच्चे बस यहीं तक उनका एक परिवार माना जाता था और यही प्रथा थी विवाह की बात करें तो पहले भी बताया गया है विवाह में माता पिता की सहमति आवश्यक होती थी लड़की के विवाह के लिए और लड़की की सहमति भी उसी प्रकार अत्यावश्यक थी किसी विवाह को संपन्न करने में विवाह की रस्म पूरी होने पर उपहारों का भेंटों का आदान प्रदान दोनों परिवारों के बीच में दोनों पक्षों के बीच में होता था जो संपत्ति है खासकर पशुधन पिता का पैतृक मकान और साथ ही उसकी अपनी निजी संपत्ति ये सामान्यतः पुत्र को जाती थी पुत्री को दहेज के रूप में गृहस्थी का सामान दिया जाता था दूसरे शब्दों में इस काल में दहेज प्रथा थी एकल परिवार की प्रथा थी पुत्र को पुत्री से ऊपर माना जाता था ऐसी प्रथा थी माँ बाप की सहमति और लड़की की सहमति भी विवाह के लिए जरूरी थी ऐसी प्रथा भी थी साथ ही इस इसमें एक और बिंदु आपको जानना जरूरी है कि जो संपत्ति लड़कियों को दी जाती थी उस पर उसी का पूरा हक रहता था और जरूरत पड़ने पर यदि किसी ने उसका धन का उपयोग किया तो उसे वापस लौटाना आवश्यक माना जाता था अगली संस्था व्यापार केंद्र मेसोपोटामिया के लोगों का व्यापार में बड़ा उनका दखल था व्यापार आवश्यक भी था क्योंकि उनके यहाँ स्वयं कुछ चीज़ों की कमी थी जिसके आयात की आवश्यकता पड़ती थी उनके व्यापार का जो मुख्य केंद्र जो था वह मारी शहर था मारी शहर के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मारी शहर जो है वह व्यापार का केंद्र था और इनका व्यापार मूल रूप से अपने पड़ोसी देशों से जैसे लेबनान तुर्की सीरिया इनसे होता था और किन चीज़ों का व्यापार होता था रंगा तांबा सोना लकड़ी तेल और मदिरा भी इन चीज़ों का आदान प्रदान होता था पत्थर आदि आदि रंग और भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसका व्यापार होता था और व्यापार के जरिए जो थे वह स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों ही था जिसका पूर्व में जिक्र किया जा चुका है अगला संस्थागत विकास जो मिसोपेटामिया के काल में हुआ वह है लेखन कला लेखन कला के मामले में मेसोपोटामिया दुनिया के अन्य क्षेत्रों से काफी आगे था यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आज भी उनकी जो लिपि है वह हमारे समझ से परे है और इसलिए हमारी जानकारी मात्र उत्खनन में जो चीज़ें पाई गई उसके आधार पर है एक बार सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो प्रचुर मात्रा में मिली है लेकिन समझ में नहीं आई है एक बार हमारे यदि इतिहासकार या वास्तुविद या आ, जो आर्कियोलॉजिस्ट इसे समझ जाएंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी कई गुना बढ़ जाएगी ऐसी स्थिति में पटामिया में नहीं है वहाँ पे जैसा बताया हेनरी रॉलिंसन हेनरी रॉलिंसन ने 1850 के आसपास 12 वर्ष के सतत प्रयास और अध्ययन के बाद मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट उसकी लिपि को समझ गया और दुनिया के सामने उसने उस उनके लिखी हुई पट्टिकाओं को पढ़ के बता दिया कि क्या लिखा हुआ है जिससे हमें मेसोपोटामिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां, ठोस जानकारियां मिली हैं उनकी जो लिपि थी उसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूनिफॉर्म हिंदी में कीलाकार ये बड़ी कीलाकार लिपि थी और थोड़ी क्लिष्ट भी थी कठिन थी कठिन होने के कारण ही शायद मेसोपोटामिया के उतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हो पाए और उतने ज़्यादा प्रबुद्ध भी नहीं हो पाए प्रबुद्ध वर्ग तो था शिक्षित वर्ग था लेकिन जिस तरीके से सभ्यता का विकास हुआ और जिस तरीके से अन्य चीज़ों का वहाँ विकास हुआ उसकी तुलना में हमें ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा या पढ़ना लिखना उस हद तक विकसित नहीं था तो वापस आए कीलाकार हैंड राइटिंग उनकी थी उनकी लिपि जो थी और आ, उसके साथ ही ये लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर इस कीलाकार तरीके से लिखते थे मि, मिट्टी के जो पट्टिकाएं होती थी और उस पर चिन्ह बनाकर लिखते थे विभिन्न तरह के चिन्ह इन पट्टिकाओं में मूल रूप से हिसाब किताब होता था जो भी हिसाब किताब हो यानी एक तरीके से ये उनका बही खाता हो जाता था लेकिन साथ ही इन पट्टिकाओं में कुछ अन्य चीज़ें भी लिखी जाती थीं तो इस प्रकार लेखन कला के मामले में हम मान सकते हैं मेसोपटामिया ने दुनिया को एक बहुत आधुनिक लिपि की जानकारी दी एक महत्वपूर्ण देन है और लिपि का आविष्कार कहें तो उसका श्रेय मेसोपोटामिया को जाता है लिपि के आविष्कार का श्रेय इस बात को याद रखेंगे अंतिम संस्था जिसके बारे में जानना जरूरी है वह है विद्यालय पुस्तकालय के बारे में तो हमने सुना कि वहाँ के राजाओं के पास पुस्तकालय था हमूराबी स्वयं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था एक राजा के पास एक हजार मूल ग्रंथ थे और तीस हजार पट्टिकाएँ थीं आखिर इन सब का उपयोग क्या था कौन पढ़ते थे पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों का निर्माण किया गया था जहाँ पर इन विद्यालयों में विभिन्न हिसाब किताब होते थे और विद्यार्थी को जो पढ़ाया जाता था वह पुरानी पट्टिकाएं ही होती थीं पुरानी सूखी हुई पट्टिकाएं उसमें लिखी हुई चीज़ों का अध्ययन विद्यार्थी करते थे और अध्ययन के बाद उसी की नकल बनाते थे उसकी नकल उकेरते थे नई पट्टिकाओं में इसीलिए पट्टिकाओं की संख्या बड़ी भारी मात्रा में वहाँ उत्खनन के दौरान पाई गई है नकेल, नकल नकल उतारना और आ, पट्टिकाओं में हिसाब किताब रखना ये तो एक कार्य था ही उसके अलावा साधारण प्रशासन उसका भी हिसाब किताब इसमें रखा जाता था कई बार ऐसा देखा गया है कि जरूरी नहीं था कि सभी विद्यार्थियों को मात्र केवल हिसाब किताब तक ही सीमित रखा जाए ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जिसमें प्रतिभा संपन्न लोगों को मात्र हिसाब किताब का लेखाकार ना बना करके के उन्हें और आगे बढ़ाया गया उनके बौद्धिक विकास में और योगदान दिया गया और वे लोग और ज़्यादा पढ़े लिखे और उसके बाद इन्होंने के इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं जैसे तकनीकी ज्ञान ये आखिर इसी पढ़ाई से हुआ जो तकनीक की हमने बात पूर्व में की थी कि किस प्रकार मिसोपोटामिया के लोगों ने कई तकनीकों को नई तकनीकों को जन्म दिया उसका उसकी शुरुआत इन्हीं विद्यालयों से हुई होगी प्रतिभा संपन्न बनाया गया बौद्धिक उपलब्धि को भी उनका बढ़ाया गया ये जो सात संस्थाओं की बात किया जो ये संस्थाएं एक तरीके से हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया में अस्तित्व में आने वाली नई संस्थाएं, जिसमें लेखन कला भी थी कहा जा सकता है कि मूल रूप से तीन जो संस्थाएं थीं कौन सी तीन एक तो मंदिर दूसरा लेखन और तीसरा व्यापार ये जो तीन संस्थाएं थीं ये सामान्यतया राजा की पहल पर ही निर्भर थी यानी राजा की अनुमति राजा की सहमति राजा की जानकारी और राजा के खुद के संरक्षण मिलने पर ही लेखन कला को विस्तृत किया जा सकता था मंदिर आदि बनाए जा सकते थे और अंत में व्यापार जैसी चीज़ों का भी विकास होता था बशर्ते राजा की इस पर सहमति हो